हेलो एवरीवन। सो यार फाइनली रीप राजस्थान की रैंक लिस्ट रिलीज कर दी गई है। काफी सारे पेरेंट्स बच्चों के बहुत सारे सवाल, भैया मैं ओबीसी से हूँ, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी जनरल कैटेगरी, क्या मेरे को कोई सा इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा, हाँ भाई अंदर का क्या प्रोसेस है, ये हफ्ता हफ्ता देखे पैसा वैसा देखे, हम ब्लैक मनी देखे कैसे एडमिशन कराए, वो सब क्या प्रोसेस है, कोई अंदर का आदमी आदमी हो, क्या आप किसी को जानते हो कि एडमिशन वगैरह हो सकता है, क्या सारा कंप्लीट में चर्चा करेंगे। आप वैसे आज अगर मन रीप की बात करें भैया, कितने रजिस्ट्रेशन हुए टोटल? हाँ जी, तो अप्रोक्स यार 15 से लेकर 16 हजार से ज्यादा बच्चों ने रीप राजस्थान में पार्टिसिपेट किया इस साल। टोटल अगर सीटों की बात करें रीप राजस्थान में तो अप्रोक्स 27,000 से लेकर 28,000, बोले तो 27,000 से लेकर 28,000 तक टोटल सीटें हैं। हर साल अगर हम बात करें तो टोटल 6 से 7 हजार सीटें भरती है, यानी कि जो बच्चे 6 से 7 हजार बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो 16,000 फॉर्म भरे उसमें से और बाकी चले जाते हैं अदर काउंसलिंग्स में। कोई घर बैठा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई मस्त एकदम सो रहा है। खैर यार बात करना है, हमारा मकसद है आपको अच्छी कॉलेज दिलाना, अच्छी ब्रांच अलॉट कराना एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आते हैं कि भाई हमारी अलग अलग रैंक अलॉट हुई है, हमें एक ओबीसी कैटेगरी की रैंक आई है, एक हमें जो है जनरल की रैंक आई है, अब मेरे को अलॉटमेंट किस रैंक के बेसिस पे आएगा, क्या मेरे को जनरल के बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा या फिर मेरे को कैटेगरी के बेसिस पे, क्या किस बेसिस पे आएगा, तो इसके बारे में थोड़े पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यार आप कैटेगरी को इस प्रकार से समझो, जैसे आपकी रैंक आपने बुकलेट देखी होगी तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे जनरली ओबीसी को रिजर्वेशन 5% दिया जाता है, लेकिन आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें 16% रिजर्वेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आप अगर एससी एसटी का देखोगे तो 12% रिजर्वेशन रहता है, ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो अप्रोक्स 10% रिजर्वेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है करेक्ट डेटा ना हो, हम अगर एग्जाम्पल मान के चले कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका अगर 10% रिजर्वेशन है आपकी जनरल की और आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक है, देन आपको किस प्रकार से सीट अलॉट की जाएगी इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपकी रैंक फॉर एग्जांपल के लिए ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी रैंक आ रही है 1300 और जनरल में आपकी रैंक आ रही है 5000, ठीक है। तो पहले हम कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी रैंक है ईडब्ल्यूएस जिसमें आपकी 1300 रैंक है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से समझो कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में आप खड़े हो, बिल्कुल लाइन के अंदर आप जो है 1300 नंबर पे खड़े हो, ठीक है। एंड जो टोटल जो सीट्स है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हम सीट कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एमबीएम जोधपुर में बात करें तो, ठीक है, तो एमबीएम जोधपुर में जैसे सीएट में सीएस में 60 सीटें हैं, ठीक है, तो हम 60 का कितना परसेंट देखेंगे, हाँ 10%, कितना हुआ 6 सीटें, ठीक है। तो वो जो 6 सीटें हैं वो अलॉट कर दी जाएगी। अब हम एक कॉलेज का तो देखेंगे नहीं, जैसे एमबीएम के अंदर टोटल ब्रांच फॉर एग्जांपल के लिए हमने 6 ब्रांच मान ली, ठीक है, तो आप 6x6 कर सकते हो, कितना हुआ भाई 36 हुआ, ठीक है। वैसे ही आप उनकी जो कुछ कॉलेजेज है, जो टॉप के कॉलेजेज है, जैसे 4 गवर्नमेंट हो गया, 4 प्राइवेट हो गया, ठीक है, तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करो और वो उस आपकी जो लाइन है उसके अंदर बांट दो, हाँ भाई आपका नंबर आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा तो वो सीटें तो खत्म हो गई है, अब आपको डायरेक्टली जनरल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है रैंक अलॉटमेंट का प्रोसेस। अब यार आपकी रिजर्वेशन के अंदर ऐसा है कि आप अगर एससी से बिलोंग करते हो, आप एसटी से बिलोंग करते हो, आपकी बहुत आगे तक रैंक है, तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि सारी की सारी सीटें आप ही को दे देंगे, आपकी रिजर्वेशन की जितनी सीटें हैं वो पहले आपको अलॉट कर दी जाएगी आपकी कैटेगरी वालों को, अगर उसमें सीटें नहीं बच रही है देन आपको जनरल के बेसिस पर अलॉट की जाएगी, ओके, ये प्रोसेस रहता है। अब उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें भैया, कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे आप सभी का मकसद यही होगा भैया कंप्यूटर साइंस लूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, लाइक दैट, ओके। तो कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ ब्रांचों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज अगर मैं बात करूं, मुगदीराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर, तो यार उसके अंदर जो है पहला ब्रांच आता है कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस, उसमें 60 सीटें, उसके बाद में उसका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका आई थिंक आता है डेटा साइंस, ठीक है, उसमें भी उसकी 60 सीटें हैं, उसके बाद में आता है उसका आईटी, उसमें भी उसकी 60 सीटें हैं, तो टोटल कितनी सीटें हो गई 120 सीटें, राइट, सॉरी 60 120 और 60 180 सीटें, ठीक है, तो उसमें 180 सीटें हैं यानी कि 180 बच्चों को तो मिलेगी, ठीक है। अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें तो भैया जनरल में कितने तक मिल जाएगी ये एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो
फिर जनरल कैटेगरी वाले अगर आपकी जनरल के अंदर रैंक अप्रोक्स अंडर 250 आ रही है, देन आपको एमबीए मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम सीटीआई की बात करें, वैसे भैया एससी एसटी वालों का क्या प्रोसेस है, हाँ एससी एसटी वालों को कितने तक मिल जाती है? यार एससी एसटी वालों को भी अप्रोक्स 300 आप मान के चल सकते हो, 300 350 तक एमबीए मिल जाएगा। फिर भैया यार सीटीआई उदयपुर की बात करें तो उसमें टोटल दो ब्रांचेस टेक की तरफ वो अलॉट करता है, जैसे एक हो गया एआई एक हो गया सीएस, उसमें टोटल है 120 सीटें, ठीक है। अब 120 है तो अप्रोक्स ये मान के चलो कि आपका 250 तो कम हो गए पहले एमबीएम वाले, ठीक है, तो अप्रोक्स यहाँ पर कितने बचे, 120 बचे ना, तो इसकी आप रैंक पकड़ के चलो अप्रोक्स 400 रैंक, ठीक है। वही यार आप आरटीयू पहुंचते आरटीयू में भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, एक आईटी है जिसमें 60 सीटें हैं, एक सीएस है उसमें 120 सीटें हैं, ठीक है, टोटल 180 सीटें हुई, तो 500-550 रैंक आपकी जनरल कैटेगरी के बेसिस पे हो जाएगी इसमें। वही यार जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही 15-16 जो रिजर्वेशन है आपका, उतनी सीटें आप थोड़ी सी बढ़ा दो बस उतना ही रिजर्वेशन का रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब जो हाथी निकल के आ रहे हैं जिन्होंने भर भर के जिसके अंदर आपके पास सीटें हैं, ठीक है, ये तो कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट वाले, तो चार कॉलेजेस हैं एमबीएम आरटीयू सीटीआई और जीसी अजमेर, इनकी अगर मैं टेक ब्रांचों की सीटों की बात करूं जैसे कि सीएस हो गया एआई हो गया डेटा साइंस हो गया मशीन लर्निंग हो गया, इनकी जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 720 सीटें, ठीक है। अब यार मैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इसको नहीं गिन रहा हूँ बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ना, हमें तो एडमिशन ही नहीं लेना, तो क्या करना। वैसे अगर आपको ऐसा है कि भैया मेरे को तो पेट्रोलियम मिल जाएगा, मेरे को तो माइनिंग मिल जाएगा तो चलेगा, मेरे को ये ब्रांच मिल जाएगा तो चलेगा, लोअर ब्रांच मिल जाएगा एमबीए में तो चलेगा, देन नो वरी, आपको जो अलॉटमेंट है वो काफी यू नो अप्रोक्स 650-700 रैंक तक मिल जाएगा। वैसे ये जो नॉर्मल सीटें हैं जो टेक ब्रांचों वाली वो अप्रोक्स 720 है इन चारों गवर्नमेंट कॉलेजों में, और अगर अदर ब्रांचेस अगर हम बात करें सिविल की मैकेनिकल की मेटलर्जी की, वैसे अगर टोटली देखें सारी ब्रांच देखें तो अप्रोक्स 1500-1600 यू नो सीटें अवेलेबल है इन चारों गवर्नमेंट कॉलेजों में, ठीक है। अब हमारा मकसद है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यार आगे जयपुर की तरफ, तो एक कॉलेज आते हैं प्राइवेट कॉलेज, दिस इज कॉल्ड जेईसीआरसी फाउंडेशन, ठीक है। उसके अंदर जो ब्रांचेज है जैसे एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसमें है 180 सीटें। उसके बाद आता है सीएस एंड एआई, उसमें है 240 सीटें। उसके बाद आता है बड़ा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीधी 420 सीटें उसके अंदर है। उसके बाद आता है हमारा आईटी, उसके अंदर 180 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी होगी भाई, 1020 सीटें। मतलब यू नो कॉलेज वाले ने बिल्कुल पहले से प्लान बना रखा है कि सारे के सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मतलब आप खुद देखो ना भाई, तुम खुद देखो और तुम खुद डिसाइड करो देख के कि इन लोगों ने सिविल में 30 सीटें रख रखी है, अदर जो लोअर ब्रांचेज है उसमें 40 सीटें 30 सीटें, कंप्यूटर साइंस में देखो कंप्यूटर साइंस की उसको टुकड़ों में बांट बांट के 1020 सीटें बना दी है, ठीक है। पहले उसने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को एक साथ कर देता हूँ, 180 सीट बन जाएगी। फिर कॉलेज वालों ने सोचा नहीं, एक सीएस और एआई को एक साथ और कर देता हूँ, फिर से 240 सीटें बना दी, फिर सीएस की बना दी 420 सीटें, फिर आईटी की बना दी 180 सीटें, अप्रोक्स होगी 1020 सीटें, ठीक है। जिनका भी मोटिव है ना कि भैया रीप के थ्रू हमको जेईसीआरसी फाउंडेशन मिल जाए, ठीक है, जेईसीआरसी फाउंडेशन अगर हमको रीप के थ्रू मिल जाए, देन नो वरी, आपको अलॉटमेंट अप्रोक्स जनरल कैटेगरी में अगर आप अप्रोक्स 2200 के अंडर हो, देन आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद में एसकेआईटी भी कम नहीं है, ठीक है, एसकेआईटी ने क्या किया है, सीएस के अंदर उसके पास है 120 सीटें, ठीक है, सीएस एंड डेटा साइंस उसमें 120 सीटें, सीएस एंड आईओटी उसमें 120 सीटें, सीएस कंप्यूटर साइंस 360 सीटें, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना हो गया 180 सीटें, ठीक है, तो इसमें भी काफी ज्यादा सीटें हैं अप्रोक्स 3000 तक, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस में जाते हो, स्वामी केशवानंद वाला भी ठीक ठाक है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये जेईसीआरसी फाउंडेशन वाला भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पूर्णिमा कॉलेज हो गया, आर्या कॉलेज हो गया, ओल्ड कैंपस जो है, इनमें भी 420 सीटें हैं, तो ये प्राइवेट वाले जो कॉलेजेज हैं अप्रोक्स 4000 रैंक तक आपको लोट हो जाएंगे, डोंट वरी डोंट बी पैनिक, ठीक है। एंड और अगर हम बात करें TFWS वाले कैटेगरी की, तो उसमें तो यार 5% रिजर्वेशन रहता है, डिपेंड ऑन योर मार्क्स,
अगर इस बार हम बात करें नंबरों की, यानी कि रजिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे हैं जिनके 90+ percentile है, अप्रोक्स 1500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से भी ऊपर है। इनफेक्ट हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 94% है जेई मेन के अंदर, फिर भी उनकी रैंक अप्रोक्स 1100 से 1200 बन रही है, यानी कि 94% से ऊपर वाले बच्चे इतने हैं, यानी कि 1000 से भी ज्यादा बच्चे तो 94% से ऊपर है। ठीक है, तो MBM ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है। एंड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था रिगार्डिंग द एडमिशन, बहुत सारे लोग जो है आपको कॉल कर रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करते हैं और बोलते हैं कि भाई 25,000 दे दो, 40,000 रुपए दे दो, आपका कंफर्म एडमिशन करा देंगे, गारंटेड एडमिशन करा देंगे। ठीक है, ये सबका सब फर्जीवाड़ा है। ठीक है, आप अगर इनको पैसे पे कर दोगे आपको लगता है कि साइबर क्राइम में कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट रेंटेड होते हैं, रेंट पे लिए हुए अकाउंट होते हैं, अकाउंट का मालिक ऑलरेडी जिंदा ही नहीं होता, इस दुनिया में नहीं है। फेक अकाउंट बैंक वालों से कोलेब्रेशन करके बनाए जाते हैं, वो कभी आपका पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितनी पुलिस लगा लो, कुछ भी कर लो। एंड आपको जो कॉल आता है वो सिम के सिम सारे के सारे फर्जी होते हैं, तो आप प्लीज इन लोगों से कोई भी पैसा इनको मत दें। दिस इज फ्रॉम द जामतारा, ये झारखंड का एक स्टेट है और ये बहुत सारे लोगों को पागल बना रहे कि भाई MBA में हमारे डायरेक्ट कनेक्शन है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे डायरेक्ट कनेक्शन है, आपका ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे। दीज आर फुली फ्रॉड, प्लीज बी अवेयर अबाउट दैट। एक भी पैसा आप किसी को ना दें, अदर देन हमारी काउंसलिंग बहुत अच्छी चलती है, आप उसमें दे सकते हो। यार अगर हम बात करें रीप काउंसलिंग की तो बढ़िया चल रहा है, अभी तो सब कुछ कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी भी जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए और बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में चाहिए, देन अब राजस्थान आपके लिए नहीं है। अगर आपकी रैंक 4000 से भी बाहर है देन फिर यू नो आपको सतर्क होने की जरूरत है। यू नीड टू गेट द एडमिशन इन द अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस एट पंजाब, एट गुजरात, एट महाराष्ट्र, एट उत्तराखंड, एट यू नो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, एट लाइक दैट बला बला बला। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, और भी बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। हमारी बहुत अच्छी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चलती है, जहाँ पे अगर यार आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो कि भैया मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरे को ये इश्यू आ गया है, मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस है, ये ब्रांच लू वो ब्रांच लू, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, नो वरी, हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके ऊपर हम आपको 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अच्छी है, हमारा ज्ञान आपकी कुछ मदद कर सकता है, आपको अच्छी सीट प्रोवाइड करने में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कराने में, देन आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। अदर देन की हमारी और भी सर्विसेज काफी फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी आप लोगों के कोई सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है देन आप लोग इस लाइक के बटन को भी दबा सकते हैं, बस एकदम मूर्तों की तरफ देखे जा रहे हो, बार बार इस बटन को भी दबा दो, एक दो देखता हूँ 2-2, 4-4 हजार व्यूज आ रहे हैं और 10-10 लाइक आ रहे हैं, 20-20 लाइक आ रहे हैं, भाई कुछ तो शर्म करो, इतना सारा डेटा निकाल रहे हैं कौन से कॉलेज में क्या प्रोसेस है। ठीक है, और हाँ एक और एडमिशन प्रोसेस का मैं आपको क्लियर कर दूं, यार अगर आपका कोई स्पेशल केस है, भाई आपने तो रजिस्टर ही नहीं किया रीप के अंदर, भाई भूल गया था मैं, इमरजेंसी था, आपके नंबर बहुत कम आ गए जेई मेन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स है, आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन 8th date कंडीशन क्या कर सकते हो आप, देखो रीप तो एक सॉफ्टवेयर है जो कॉलेजों के लिए काम करता है। यू नीड टू अप्रोच टू द कॉलेज वाइस चांसलर, राइट एन एप्लीकेशन विद एक्सेप्शनल रीजन, रिटर्न अपोलॉजीज, और जो भी है आपको उसको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एंड एट दैट कंडीशन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, अगर आपके पास एडमिशन लेने का जेन्युइन कारण है, देन आप किसी भी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अप्रोच कर सकते हो, किसी भी डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हो, अगर आपका कारण वैलिड है तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, आपको कोई भी एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि भैया शादी थी घर वालों के पड़ोस में और जिम ने गया था इस कारण परीक्षा नहीं दे पाया, लाइक दैट ये सब नहीं चलेगा। अगर कोई जेन्युइन रीजन है और आप अगर एडमिशन लेने से वंचित रह रहे हैं, देन इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द वाइस चांसलर और डायरेक्टर टू प्रोवाइड ए एडमिशन एंड स्पेशल केस और क्रिएट ए सीट एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इन द केस ऑफ 2019 एट द केस एट IIT Bombay बैंक इश्यू।
ठीक है, तो उसको एज ए रेफरेंस मान के आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन देने की जिम्मेदारी कॉलेज वालों की बनती है। ठीक है, और भी कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे नंबर आपके लिए अवेलेबल है 24/7। आप इस पर कॉल घुमाइए, आप इस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको फ्री ऑफ कोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे बिना किसी शुल्क के। ठीक है।